月の猿びさんとにらまや猿びばたらにぱしんとまかしちどくばばり5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वतदा भला। सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था। Thank you.
फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां, पूजा। हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम। हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं रखा। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। इस दीवार से टकराकर वापस जाते थे जो 1962 में, वही सन 65 में और वही 71 में। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है, यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते तो मोहब्बत करने वाले मोहब्बत का दामन क्यों छोड़े।